आज मैं आपको दिखाता हूँ लाइफ अंडर दुबई लॉकडाउन। आप और अभी मैं जाने वाला हूँ ग्रोसरी शॉप। अभी नीचे जाएंगे मामू। तो क्या हाल है भाई लोग, मैं आपका दोस्त मुदित, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताएं क्या चल रहा है आजकल, कोरोना ने यार सबकी लगा रखी है सच में। अब बस जल्दी से ये कोरोना जाए और सब पहले जैसा हो जाए, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। आज मैं आपको दिखाता हूँ लाइफ अंडर दुबई लॉकडाउन, आपको आज एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके साथ। और अभी मैं जाने वाला हूँ और ग्रोसरी स्टोर में आपको वहाँ जाके व्यू दिखाऊंगा, और रास्ते में भी जो रेट रहेगा वो मैं आपको शो करूँगा। तो चलिए फिर, मैं जल्दी से ग्लव्स वगैरह पहन लेता हूँ और मास्क लगा लेता हूँ, और फिर अपने लोग चलते हैं ग्रोसरी स्टोर। तो ये हम आ चुके हैं अपनी बालकनी में। अब आप सोच रहे होंगे मैं बालकनी में कर क्या रहा हूँ जब मेरे को ग्रोसरीज जाना था। एक्चुअली मैं मामू को झांक रहा हूँ क्योंकि अपन को ना टेंशन पसंद नहीं है। अभी नीचे जाएंगे, अलाउड है वैसे नीचे जाना। अभी ग्रोसरीज़ के लिए मैं मास्क और ग्लव्स पहन के जा सकता हूँ, बट आपको पता है फालतू टेंशन क्यों लेने का, इसलिए अपना चेक करके आराम से फिर तभी जाओ। ये पुलिस की जीप देख रहे हैं आप, ये लोग अनाउंस कर रहे हैं सारी लैंग्वेजेस में, यहाँ पे अनाउंस करते हैं हिंदी, इंग्लिश, पश्तो, अरेबिक। ये बता रहे हैं, गाइडलाइंस बता रहे हैं यहाँ का कि इस टाइम जो है कर्फ्यू स्टार्ट हो चुका है और अब बाहर निकलने पे फाइंस लगेंगे, और किस किस कंडीशन में बाहर निकल सकते हैं ये सारी जानकारी आपको दे रहे हैं, अनाउंसमेंट हो रहा है। तो मैं रेडी हो गया हूँ, ग्लव्स वगैरह पहन लिए हैं, मास्क भी अब एकदम ढिंचाक रेडी है। तब हम निकलते हैं ग्रोसरी स्टोर के लिए। एक बात और बताता हूँ आपको, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर सारे ही एलिवेटर्स में जो है सैनिटाइज़र लगा रखा है, जिससे कि बटन प्रेस करते टाइम आप अपना हैंड सैनिटाइज़ कर सकें और इन्फेक्शन कम से कम फैले। बहुत बढ़िया बात है ये। तो अभी आप जो देख रहे हैं ये कम्युनिटी पार्किंग है, देख रहे हैं कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं, क्योंकि लोग बाहर जा ही नहीं रहे तो सारी गाड़ियाँ यहीं पर पार्क हैं, और पार्किंग भी फ्री कर रखी है इस टाइम गवर्नमेंट ने यहाँ पर। मैं इधर से इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से बहुत शॉर्ट पड़ता है और जल्दी पहुंच जाता हूं क्योंकि काफ़ी दूर है यहां से मार्केट जो है। तो पहुंच गए हम लोग मार्केट के अंदर, देख रहे हैं आप बिल्कुल भी भीड़ नहीं है यहां पर ये अच्छी बात है कि कम से कम मार्केट खुला हुआ तो है। देखिए बिल्कुल भी खाली पड़ा है, सारा सामान अवेलेबल है पर कोई बंदा ही अवेलेबल नहीं है लेने के लिए। चलो खैर, अपना तो सामान लेते ही हैं। काउंटर के पास आप देख रहे हैं ये कुछ स्टिकर से लगा रखे हैं 1.5 मीटर्स। तो ये एक्चुअली यहाँ की गवर्नमेंट ने करा है कि जब बिल कराएं आप तो 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े होकर कराएं, जिससे कि इन्फेक्शन ना फैल सके। बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स करे गए हैं, तभी मार्केट को ओपन करने के लिए परमिशन दी। हम लोगों ने ले लिया फिर अपना सामान, चलते हैं घर की तरफ। रास्ते में आपको दिखाता हूँ कुछ एकदम राक्षिक व्यूज़ पड़ते हैं, उनको दिखाता हूँ आज। देख रहे हैं ये लोगों ने सामने ट्रॉली छोड़ दी है यहाँ पर, कोई नहीं, गाड़ी में रख के लोग ले जाते हैं सामान, ट्रॉली यहीं पर छोड़ देते हैं। सामने देख रहे हैं आप बिल्डिंग्स का व्यू दिख रहा होगा काफ़ी सारी, वो शेख जायद रोड है, और वो सबसे ऊंची जो बिल्डिंग दिख रही है वो बुर्ज खलीफा है। साथ में जो सारे टावर्स दिख रहे हैं वो शेख जायद रोड पे 80 टावर्स हैं, उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा है दुबई ने। बस आ ही गए अब हम लोग घर की तरफ आ गए हैं, मेरे घर के सामने कई रोड है ये। देखिए बिल्ली भी मज़े ले रही है लॉकडाउन के, मस्त एकदम फुटपाथ पे बैठ के मज़े ले रही है। बहुत कोई दिख ही नहीं रहा है रोड्स पे, खाली पड़ा है, मुझे लगता है बस मैं ही निकला हूँ आज घर से। चलो जल्दी से चलता हूँ घर के अंदर, कहीं मामू पकड़ ले। यार एक बात और बताता हूँ, इतना महंगा हो गया है यहाँ पे सामान, बस लॉकडाउन क्या हो गया, लूट सी मच चुकी है, हर चीज़ डबल रेट बिक रही है, लोग एकदम टूट के पड़ रहे हैं, हर चीज़ खरीद डाल रहे हैं एकदम। पर यहाँ इंडिया से ये चीज़ अच्छी है कि भर भर के सामान नहीं ले जा सकते, कि आप पूरा मतलब ट्रक भर के अपने ही घर पर ले जाते हैं, बाकियों को भी मिलेगा, एक लिमिट से मिल रहा है यहाँ पर सामान, जिससे कि शॉर्टेज ना हो। चलिए आज के लिए इतना ही, पहुंच चुके हैं अपने घर, होप करता हूँ कि सब कुछ जल्दी से अच्छा हो जाए, ये कोरोना ख़त्म हो जाए। एंड में यही मैसेज देना चाहूँगा, अपने आप को सेफ़ रखें, घर पे रहें, हाथ सैनिटाइज़ करते रहें, धोते रहें, सैनिटाइज़र नहीं भी है तो दिक्कत ना लें, साबुन से ही धोएं 20 सेकंड तक, वो भी काफ़ी है। सब ठीक हो जाए फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, किसी अच्छी सी जगह पर लेके जाएंगे आपको, तब तक के लिए जुड़े रहिए M2 ट्रेवलर्स। पीस आउट। आगे के कोई भी अपडेट्स होंगे तो मैं आपको देता रहूँगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यार सब्सक्राइब करना मत भूलें, सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलता है, फ्री है यार, सब्सक्राइब करो।